दोस्तों, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती का फॉर्म भर रहे हैं तो ये जो महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, शायद आपने इसके बारे में सुना हो और आपको जानना ज़रूरी भी है। यहाँ पर इस समय एक चीज़ जो है वायरल हो रही है बिहार शिक्षक भर्ती के ऑनलाइन फॉर्म की बात करें, जो कि BPSC के द्वारा होने वाला है। इसमें चीज़ क्या है कि जो सेंटर में आप जो वहाँ के जो ज़िले हैं जिनको आप सेलेक्ट कर रहे हो, तो ये कहा जा रहा है कि लोगों को, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हो, पता नहीं है कि वो सेंटर नहीं मांग रहे हैं, जहाँ आप जॉब करेंगे वो लिस्ट मांग रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हो, कुल मिलाकर के इनके कहने का मतलब ये है, जब हम फॉर्म जो फिल कर रहे हैं और वहाँ पर आप जो भी ज़िला सेलेक्ट कर रहे हो अपने एग्जामिनेशन सेंटर के लिए, तो इनका कहना है कि वो एग्ज़ामिनेशन सेंटर नहीं है, वो आपका वो ज़िला है जहाँ पर आपको जॉब मिलने के बाद पोस्टिंग दी जाएगी। तो मैं आपको बता दूँ, अभी तक किसी भी फॉर्म में, ये जो खबर इस समय वायरल हो रही है इसके बारे में ही बात करेंगे, कि अभी तक कोई भी फॉर्म पहले आया है तो वहाँ पर सबसे पहले ये होता है कि आपका सेंटर कहाँ पे जाएगा। बात समझ में आ रही है, आपसे सेंटर मांगा जाता है कि भाई आप जहाँ पर जाकर के आपको एग्ज़ाम देना है, आपको पेपर देना है, उसके बाद ही। मान लीजिए कि कोई भी एक सेंटर है, पटना सेंटर आप ले लीजिए, सभी के सभी जो आपके यूपी वाले हैं उन्होंने पटना डाल दिया, तो अब ऐसे थोड़े ना है कि सभी को पटना ही वहाँ पर जो है नियुक्ति दे दी जाएगी या पटना में जॉब मिल जाएगी, बाकी ज़िलों का क्या होगा। तो ये बिल्कुल से गलत है। ऐसे में कि आपको ये पूछा जा रहा है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पे होगी, वो आपका एग्जामिनेशन सेंटर ही है, ये बात याद रखिएगा। बाकी कोई और सवाल है तो कमेंट सेक्शन में हमारे लिए ज़रूर लिखें। रात में 9 बजे क्लास होती है, उसे भी आप ज्वाइन ज़रूर करें। बिहार शिक्षक भर्ती के कंप्लीट बिहार SCERT बेस्ड हार्ड कॉपी नोट्स जो हैं वो हमारे द्वारा दिए जाते हैं। 8081743734 पर व्हाट्सएप करके उसकी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।